इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीड़ित की शिकायत पर नकली न्यायाधीश को गिरफ्तार किया है। नकली न्यायाधीश ने फैमिली मैटर निपटाने के लिए पीड़ित से 2,90,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने नकली न्यायाधीश के पास से एक गाड़ी और 2 लाल बत्ती भी बरामद की है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर क्राइम ने ऐसे ही एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो अपने आप को न्यायाधीश बताकर कोर्ट में चल रहे मामलों को निपटाने के लिए लोगों से लाखों रुपए की ठगी करता था। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को फरियादी ने शिकायत की थी कि आरोपी राजीव कुमार लाहोटी ने अपने आप को जज बताकर उनसे कोर्ट का मैटर निपटाने के लिए 2,90,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया कि राजीव कुमार लाहोटी ने अपनी कार में लाल बत्ती लगाकर न्यायाधीश लिखवाकर फरियादी से संपर्क किया और अपने आप को देवास कोर्ट का जज बताते हुए फरियादी को झूठे विश्वास में लिया और बोला कि देवास कोर्ट में कोई केस हो तो उसे मैं खत्म करवा दूंगा, जिस पर फरियादी ने उसकी बातों पर विश्वास कर अपने परिचित का एक केस बताया और उसके निराकरण की बात की। लेकिन पैसे लेने के बाद जब केस खत्म नहीं हुआ तो फरियादी ने धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की। जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची तो इस नकली न्यायाधीश की पोल खुल गई। इसके पास से पुलिस ने गाड़ी और 2 लाल बत्ती बरामद की है। हमको एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत करी गई थी कि उसको जो है उसके देवास में उसका एक फैमिली मैटर था, उसमें उसके ऊपर केस हो गया था और उस केस को निपटाने के लिए उसमें उसको खत्म कराने के लिए एक व्यक्ति ने उसको बोला कि वो जज है और वो जो है उस केस को ख़त्म करवा सकता है, जिसके एवज में उसके द्वारा 2,90,000 रुपये उससे लिए गए। इस संबंध में हमको शिकायत करी गई। फरियादी को जब शक हुआ कि जो है ये कोई फ्रॉड व्यक्ति है तो उसके द्वारा क्राइम ब्रांच में शिकायत करी गई है। उसके आधार पर हमने जो है एक राजीव कुमार नाम के व्यक्ति को राउंड अप किया गया है। उसके द्वारा जो है ये पूरा जज बनने का एक ड्रामा किया गया था। उसके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है जिसमें उसने गाड़ी के आगे अपने को न्यायाधीश की उसने पट्टिका भी लगा रखी थी, अंदर से बत्तियां भी बरामद हुई हैं। तो इस तरीके से वो जो है पूरे लोगों को चकमा दे रहा था और अपने को जज बता रहा था। हमें उम्मीद है कि उसने और भी इस तरह की घटनाएं कुछ करी होंगी और इसलिए उस संबंध में और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि ठगी के और भी कई केस जल्द ही सामने आएंगे।